दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुखबीर सिंह शोकंद है और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एडजेक्टिव का पार्ट 8। इससे पहले मैं 7 वीडियो एडजेक्टिव के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या समझेंगे। फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सीखेंगे। देखिए यहां पर भी फ्यू है, ए फ्यू के अंदर भी फ्यू है और द फ्यू के अंदर भी आपको फ्यू मिलेगा। और फ्यू का मतलब कम होता है, ज्यादा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। और इसकी मीनिंग देखिए क्या होगी, नॉट इनफ। तो इसमें नॉट है, नॉट है तो जो फ्यू होता है ना आपका, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि ये तीनों ही टर्म जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स के साथ, इनको कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ इस्तेमाल ना करें आप। देखिए फ्यू का मतलब होता है नॉट इनफ, ए फ्यू का मतलब होता है जस्ट इनफ और द फ्यू का मतलब होता है ऑल दैट इज अवेलेबल बट नॉट मैनी। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल कंसिडर कर लेता हूं। यहां पे मान लीजिए कि कोई पेपर मैं दे रहा हूं और उसमें 500 मार्क्स का 5 डिफरेंट बुक से 100-100 नंबर का क्वेश्चन बनना है आपका। तो मान लेते हैं कि 50% मार्क्स लेना जरूरी है पास होने के लिए। और अगर मेरे पास किताबें हैं 2, तो ये किताबें पढ़कर क्या मैं पास हो पाऊंगा, क्या मैं 50% मार्क्स ले पाऊंगा, नहीं ले पाऊंगा। तो ये वाला केस क्या हो गया, नॉट इनफ। मेरे पास जो चीज है ना वो नॉट इनफ है। तो ये कितनी बुक्स है मेरे पास, फ्यू बुक्स हैं। फिर देखिए अगर मान लेते हैं केस दूसरा है कि मेरे पास 3 या फिर 4 किताबें हैं, तो फिर मैं बिल्कुल क्लियर कर सकता हूं। लेकिन ये बात नहीं है कि मेरे पास सारी बुकें हैं, अभी भी कमी तो है ही। लेकिन ये केस ऐसा है कि जस्ट इनफ यानी काम चल सकता है। तो ये वाला केस हो गया ए फ्यू का। दा फ्यू में क्या होता है कि चाहे हमारे पास पहले वाला केस हो, चाहे हमारे पास दूसरे वाला केस हो, लेकिन मैं क्या करता हूं, ऑल दैट इज अवेलेबल, चाहे ये वाली चीज अवेलेबल हो या ये वाली चीज अवेलेबल हो, ठीक है, उसका मैं कुछ करता हूं तो वो कहलाएगा आपका दाफ्यू। तो अब देखिए एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। राम इज ए सेंट, तो अगर कोई संत होगा तो ही हैज एनिमीज इन दिस विलेज। तो विलेज में कितनी एनिमीज होगी उसकी, नॉट इनफ या जस्ट इनफ। तो सीधी सी बात है नॉट इनफ, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरा, फ्यू। एक और बात समझिए कि कोई भी चीज कम या ज्यादा कैसे होती है। देखिए मान लेते हैं मेरे पास 500 रुपए हैं, तो ये मैं कैसे समझूं कि ये कम है कि ज्यादा है, ये हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मुझे कोई 2000 की चीज खरीदनी है तो फिर तो है ये कम, लेकिन अगर मुझे कोई 200 रुपए की चीज लेनी है फिर ये है ज्यादा। तो रिक्वायरमेंट ही तय करती है कि जो वैल्यू मेरे पास है ना वो कम है कि ज्यादा है, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही कोई चीज कम या ज्यादा होती है। मान लीजिए आप सुबह सुबह एग्जाम देने चले गए कहीं पे, शाम को घर आए, ठीक है, आपने दिन भर से कुछ नहीं खाया और 4 रोटियां हैं, ठीक है, तो वो बहुत कम लगी आपको। लेकिन मान लो अभी अभी को आपने कुछ खाया है और फिर वही 4 रोटियां, हो सकता है क्योंकि आपको भूख कम है ज्यादा भी लग सकती है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है कोई चीज ज्यादा है कि कम है। यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट 50% थी, तो 2 किताबें कम हो गई, 3 और 4 किताबें भी कम है क्योंकि 500 का पेपर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये इतना कम नहीं है कि मैं पास ना कर सकूं, और ये इतना कम है कि भाई होने के बावजूद बात ना के बराबर है। तो जो नॉट इनफ होता है इसका मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है। अब देखो राम इज अ सोशल पर्सन, अगर सोशल पर्सन है तो फिर क्या बोला, ही हैज गुड सपोर्टर्स इन दिस विलेज। तो कितने गुड सपोर्टर्स होंगे, ए फ्यू ना, जस्ट इनफ तो होंगे ही होंगे, ठीक है, तो ना के बराबर तो नहीं होंगे क्योंकि यहां पर एक हिंट दे रखा है सोशल पर्सन है वो, ठीक है, तो ना के बराबर का तो नहीं बन पाएगा यहाँ पे केस। तो द फ्यू का देखिए यहां पर क्या बोला, प्लांट्स फाउंड इन द डेजर्ट आर कॉल्ड जीरोफाइट्स। तो मान लेते हैं ये डेजर्ट है और इसमें ये यहां 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 ये प्लांट्स हैं, तो जीरोफाइट्स किसको बोला जाएगा, उनको ना, ऑल दैट इज अवेलेबल, जितने भी प्लांट्स आपके रेगिस्तान में अवेलेबल है उन सभी को बोलेंगे ना। तो पूरी वैल्यू को कंसिडर कर रहा हूं मैं,
चाहे वो कितनी भी हो, ठीक है, थोड़ी है, काम चलाने लायक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पूरी वैल्यू को कंसिडर करेंगे तो द फ्यू हो जाएगा। अब देखिए, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट होता है आपका लिटल, ए लिटल और द लिटल का। यहां पे भी लिटल है, यहां पे भी लिटल है आपका, और यहां पे भी लिटल है। तो लिटल का मतलब भी सीधी सी बात है, कम तो होता ही होता है, और नॉट इनफ में नॉट आ गया तो ये नेगेटिव वैल्यू भी है। और जो इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी कि ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल होंगे, ठीक है, काउंटेबल के लिए नहीं होंगे ये। तो ये इसमें एक खास आपको ध्यान रखना है। अब देखो एग्जाम्पल, राम इज वेरी पुअर, बहुत ज्यादा गरीब है। तो ही हैज, मान लेते हैं यहाँ पे डैश, मनी इन हिज अकाउंट, तो उसके पास कितनी मनी होगी अकाउंट में? सीधी सी बात है, ना के बराबर होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा गरीब है। ही डज प्राइवेट जॉब, ये प्राइवेट जॉब कर रहा है। ही सेव्स, मान लेते हैं यहाँ पे डैश, मनी फॉर फ्यूचर, कितनी मनी बचाएगा वो फ्यूचर के लिए प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो जस्ट इनफ तो करेगा ही करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्योंकि जॉब पे है तो ना के बराबर तो लॉजिकल नहीं बनेगी बात। द लिटल, ऑल दैट इज अवेलेबल बट नॉट मच, देखिए यहां पे है मच और पीछे यहां पे था हमारे पास मैनी, तो यहां से ये भी समझ आ रहा है कि मैनी को काउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे और मच को अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, द लिटल मनी इन माई अकाउंट इज वेरी यूजफुल फॉर माई फ्यूचर। तो द लिटल का मतलब यहां पे जितनी भी पैसा मेरे पास है, मेरे अकाउंट में है, वो काफी फायदेमंद है, किसके लिए यूजफुल है वो? फॉर माई फ्यूचर, ठीक है, वो चाहे पैसा ना के बराबर हो, चाहे वो पैसा जस्ट इनफ हो, ठीक है, तो पूरी वैल्यू की बात हो रही है। अब देखिए, लिटल, लेस देन और द लीस्ट। देखिए यहां पे लिटल पॉजिटिव डिग्री है आपकी, लेस कंपैरेटिव डिग्री है, अब हमें पता है इसके बाद देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री होगी इसकी आपकी लिस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपका आर्टिकल द लगता है। तो यहां पर देखिए राइस लिया हुआ है, तो देखिए इस तरह की जो चीजें हैं ना, राइस, वीट, शुगर, हेयर, इनको हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको गिन पाना जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, तो इनको हम मानते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस हो सकती है जब हम इनको काउंटेबल में कंसिडर कर सकते हैं, जो मैंने नाउन के अंदर डिस्कस की है। तो देखिए, आई हैव, अब फ्यू तो जो होगा ये तो काउंटेबल के साथ आएगा तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव लिटिल राइस, ये बिल्कुल सही है। आई हैव फ्यूअर राइस देन राम हैज, तो फ्यूअर जो है ये फ्यू का कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, लेकिन राइस तो अनकाउंटेबल है आपका, तो ये तो गलत हो जाएगा। लेस राइस, ये ठीक है, आगे देन भी गिवन है क्योंकि ये अनकाउंटेबल के लिए आता है, ठीक है। देखिए, द फ्यूएस्ट राइस, ये गलत हो जाएगा, द लीस्ट राइस, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे मच, मैनी और सेवरल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मच जैसे कि हमने कहा अनकाउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होगा, और खास बात क्या है इसकी कि ये लार्ज क्वांटिटी को शो करता है। मैनी जो है ये आपका काउंटेबल नाउन के लिए आता है, और ये भी लार्ज, ये लार्ज नंबर को शो करेगा। जो सेवरल है ये भी काउंटेबल के लिए आता है, ये भी लार्ज नंबर को शो करता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिसको सब्जेक्ट जानता नहीं है, सब्जेक्ट का मतलब जो डूअर है, ठीक है, जो बात को कर रहा है, बोल रहा है, नॉट नोन टू द सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। आई हैव मैनी राइस, देखिए मैनी और राइस की कॉम्बिनेशन बनेगी नहीं क्योंकि इसको अनकाउंटेबल माना जाता है, तो आई हैव मच राइस, ये सही है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैनी के साथ फ्रेंड्स का कॉम्बिनेशन, ये सही है। सेवरल स्टूडेंट्स आर लेबरस इन पटना, तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है ना, दे आर नॉट नोन टू द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नहीं जानता किन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है, वो एनी केस ले रहा है ऐसे किसी को भी, तो यहां पर हो सकता है कि सेवरल का इस्तेमाल बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है ना। जब हम ऐसे सब्जेक्ट की बात करें, यानी इन उसके बारे में बात करें जिसको, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो हम उसके लिए सेवरल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जिनको हम जानते हैं और लार्ज इन नंबर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे मैनी का, ठीक है। आगे देखिए, फॉर्मर और लेटर। देखिए मान लीजिए कि दो चीजें हैं और मुझे बतानी ये वाली चीज, तो मैं इस्तेमाल करूंगा LATER, और अगर मुझे दिखानी है ये वाली चीज तो मैं इस्तेमाल करूंगा भाई फॉर्मर, ठीक है, ये हो गया लेटर, ये हो गया फॉर्मर, ठीक है। लेकिन अगर चीजें हैं दो से ज्यादा, कई हैं,
ठीक है, और मुझे ये वाली चीज दिखानी है तो मैं इस्तेमाल करूंगा क्या, लास्ट। ये ध्यान रखना लास्ट में और इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, एक इसी तरह की टर्म है हमारे पास लेटर। ये जो होती है टाइम को रेफर करती है, और ये जो लेटर है ये इस्तेमाल होता है पोजिशन को बताने के लिए, जैसे इन दोनों में से किसकी पोजिशन। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहां पे बोथ, यहां पे गलती से लग गया, यहां पे आएगा आपका स्टार्टिंग में, बोथ सोनिया एंड सोनू आर गुड लीडर्स। ठीक है, गुड लीडर्स। अब दो के, जब भी बोथ आए ना किसी सेंटेंस में, तो समझना कि दो के लिए आना चाहिए, एक ये हो गया एक ये हो गया, दो के लिए आ गया। इसके लिए अगर पेयर इस्तेमाल करनी पड़ी तो हमेशा एंड का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एंड हो गया। और इसको कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते बोथ सोनिया एंड सोनू आर नॉट गुड लीडर्स। हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब देखो यहां पे बोला फॉर्मर, तो फॉर्मर किसके लिए इस्तेमाल होगा, जो पहले आया। तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या है आपका, ये है, और बिलोंग्स टू कैथल, तो ये कैथल से बिलोंग करता है, करती है। और द लेटर, इसका इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी ये, ठीक है, बिलोंग्स टू जिन। और जैसे मैंने कहा लेटर जो होता है वो टाइम के लिए, टाइम को रेफर करता है, तो देखिए आई विल सी यू लेटर। तो यहां पे कई बार पेपर में क्या कर देंगे, ये वाला डाल देंगे, तो ये तो पोजीशन बताता है, टाइम थोड़ी बताता है, तो ये गलत हो जाएगा आपका, सही होगा ये। आगे देखते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं दोस्तों। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहते हो तो आप अपना नेम और प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये लिखकर मुझे भेज दें। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहां आपको डेली न्यूज़पेपर, माई हैंड रिटन नोट्स एंड अदर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा। ध्यान रखना कि गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप है और बॉयज के लिए आपका अलग से ग्रुप होगा। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका फायदा आपको मिल सके। और कोई भी स्टूडेंट अगर जींद हरियाणा से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है तो। और जितने भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।